सरसों की खेती में अच्छी उपज पाने के लिए जरूरी है कि इसकी खेती विधि पूर्वक की जाए। सरसों की खेती में कुछ नियमों का पालन आवश्यक है, जैसे बीज का चयन और उपचार, खेत की तैयारी, खाद प्रबंधन, लाइन से बीज की रोपाई, खार पतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अच्छे बीज का चयन कैसे किया जाता है, उसके साथ साथ बीज के उपचार के बारे में भी जानेंगे। श्री विधि मतलब सरसों का खेती करने के लिए हम लोग पहले बीज का चुनाव करते हैं, उसके बाद हम लोग बीज का उपचार करते हैं। सबसे पहले बीज को सुसुम पानी में डालेंगे, उसके बाद डालने से के बाद जो मतलब पूरा हाथ से मिलाएंगे और जो ऊपर आ जाएगा वो वाला बीज को हम लोग मतलब हटा देंगे और अच्छे वाला बीज को हम लोग सूत्री बोरा में निकाल के और रख देंगे और उसको हम फैला देंगे और उसको थोड़ा देरी के लिए हम लोग पानी को सूखने देंगे। ये तो बहुत हुई सरसों के अच्छे बीज के चयन के बारे में। आइए अब हम दीदियों से बीज उपचार की विधि सीखते हैं। यदि हम 20 डिसमिल में खेती लगा रहे हैं तो हमें 50 ग्राम बीज चाहिए, गुड़ 100 ग्राम, 1 लीटर पानी और आधा से 1 ग्राम PSB और एजेक्टो वेक्टर और टाइकोड्रामा चाहिए। और अब हम लोग बीजा अमृत उसमें डालेंगे और बीजा अमृत डाल के पूरा मतलब पूरा मिला देंगे। सौ ग्राम गुड़ लेंगे, उसके बाद 1 लीटर पानी लेंगे और उसमें मतलब सुसुम कर देंगे और उसमें गुड़ पानी डाल के पूरा घोल मिला लेंगे। उसके बाद हम लोग बीजा को डालेंगे। मिलाने के बाद हम लोग आधा से 1 ग्राम PSB एजेक्टो वेक्टर डालेंगे जो एक चुटकी होगा और उसके बाद लास्ट में हम लोग टाइकोड्रामा डाल के पूरे दवा को मतलब अच्छा से मिलाएंगे जो हमारा सब पूरे बीजा में दवा चिपक जाएगा। उपचार होने के बाद हम पोटली बनाएंगे और पोटली बना के हम उसे 12 से 18 घंटा तक उसे हम छोड़ देंगे ताकि वो अंकुर हो जाएगा। जैसे हम लोग बच्चे को टीकाकरण पोलियो जो पिलाते हैं कि मतलब बीमारी आने वाला बीमारी से बचे, उसी तरह हम लोग बीज उपचार करते हैं कि मतलब फसल में बीमारी ना लगे और बीमारी नहीं लगने के चलते हम लोग का फसल का उपज ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग बीज उपचार करते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको बीज का चयन एवं उपचार के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियो में हम श्री विधि से सरसों की खेती के लिए खेत की तैयारी एवं बीज की रोपाई के बारे में जानेंगे।